आज मैं आपको तीन दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा, तीन दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा कि SIP वर्सेस लमसम, यानी कि किसके लिए SIP ठीक है, किसके लिए SIP ठीक नहीं है। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखेगा तब आप समझ जाएंगे कि बेसिकली किस चीज़ से पैसा ज़्यादा बनता है और कौन सी चीज़ किस इंसान के लिए अच्छी होती है। और साथ में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि SIP वर्सेस लमसम के बारे में बात करेंगे, टाइम फ्रेम की बात करेंगे, बेस्ट टाइम फॉर SIP लमसम के लिए टाइम क्या सही रहता है, किस समय पर हमें SIP करनी चाहिए और SIP अच्छी है या लमसम अच्छा है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ये वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं, तीन मित्रों की बात कर रहे हैं SIP वर्सेज लमसम को समझने के लिए। तो देखिए, तीन मित्रों में ये जो फ्रेंड है ना, इसको हम सिल्वर बोल सकते हैं, सिल्वर, ये आपका गोल्ड है और ये आपका क्या है, प्लेटिनम। तीनों फ्रेंड सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं पहले कि 14 लाख की कैपिटल बन रही है, यहां पे 24 की बन रही है, यहां पे 27 लाख की कैपिटल बन रही है, तो प्लेटिनम में इस चीज में कैसे बाजी मार ली है, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, क्या 5K पर मंथ, अगर हम 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं SIP के जरिए, तो हमारा 10 साल के अंदर कितना, 10 ईयर्स के अंदर 14 लाख रुपये बन रहे हैं और कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितना, 15% के हिसाब से 10 साल के अंदर 5000 रुपये हर महीने से हमारे 14 लाख रुपये बन रहे हैं, यानी 14 लाख रुपीज़ बन रहे हैं। वहीं अगर हम लमसम कर देते हैं, कितना टोटल इन्वेस्ट हुआ यहाँ पे, 5000 रुपये हर महीने से 10 साल के अंदर करीब 6 लाख रुपये इन्वेस्ट हुआ, तो वही 6 लाख रुपये हमने क्या कर दिया, लमसम कर दिया। हमने वो 6 लाख रुपये लमसम कर दिए 10 साल के लिए 15% के हिसाब से, तो हमारे पास कैपिटल कितनी हो गई, 24 लाख की, ठीक है। यानी कि हमें 10, वही टाइम पीरियड सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है, डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर पैसा हमारा हर महीने जा रहा था, यहाँ पर पैसा हमारा एक साथ जा रहा है, 6 लाख रुपये इकट्ठे एक साथ चले गए, तो डिफरेंस कितना आ गया, 6 लाख रुपये, ये 4 लाख, यानी 10 लाख रुपये का डिफरेंस आ गया, यानी कि हमने 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाया। अभी हम तीसरे वाले बंदे की बात करेंगे, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, आखिर उसने एक्स्ट्रा कैसे पैसा बनाया है, बताएंगे अभी आपको। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 10 लाख का डिफरेंस आ गया लमसम करने पर। अब आप ये कहेंगे कि भाई लमसम के लिए इकट्ठा पैसा होना भी तो चाहिए, बिल्कुल सही बात, लमसम करने के लिए हमारे पास इकट्ठा पैसा पहले पैसा होना चाहिए, अगर पहले पैसा नहीं होगा तो हम एक साथ 6 लाख रुपये कैसे इन्वेस्ट कर देंगे। तो अब बात ये आ गई कि जिसके पास पैसा है वो लमसम कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो SIP भी कर सकता है, किस टाइम पर कौन सी चीज़ करनी चाहिए अभी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी ये डिफरेंस आपका 10 साल के अंदर 10 लाख रुपये का डिफरेंस आया है, सिर्फ 10 साल के अंदर डिफरेंस 10 लाख रुपये का आया है। अगर आप यही चीज़, सेम चीज़ अगर आप 20 साल के लिए निकाल लेंगे तो ये डिफरेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। हम लोग क्या कर लेते हैं कि आपको SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ जरा मैं, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जरा मैं कि अगर आप 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 साल के लिए कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा था, 15% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका वही आ रहा था, एक सेकेंड 10 ईयर डाल देता हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर 15 कैलकुलेट, तो आपका वही आ रहा है समथिंग 14 लाख रुपये कह रहा हूँ, 14 लाख रुपये। अगर यही चीज़ आप टाइम पीरियड कर देते हैं 20 साल के लिए, अगर 20 साल के लिए आप करते हैं तो 20 ईयर के लिए अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है आपका, 20 साल के अंदर आपका बन रहा है 75 लाख रुपये समथिंग, 75.5 लाख बन रहा है समथिंग। अब ये आपका हो गया SIP कैलकुलेटर। अब यहाँ पर हमारा लमसम कैलकुलेटर है नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे को ओपन करना पड़ेगा, एक सेकंड में जरा मैं दूसरा कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, लमसम कैलकुलेटर, ठीक है जी, लमसम को मैंने ओपन कर लेता हूँ, चलो ग्रुप पे देख लेते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लमसम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना 12 लाख रुपये इकट्ठे हो रहे थे 20 साल के अंदर, तो मान लीजिए मैंने 12 लाख रुपये डाल दिए यहाँ पर एक साथ, 12 लाख रुपये एक साथ डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, 12 लाख रुपये हो गए और कितना 15% के हिसाब से कितना 20 साल के लिए, ठीक है जी, 20 ईयर के लिए मैंने किया तो मेरी कैपिटल कितनी हो रही है, 1,96,00,000, यानी कि 2 करोड़ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है 2 करोड़, चलते हैं अपने पॉइंट पॉइंट की तरफ, ठीक है जी।
तो यही चीज़ सेम चीज़ मैंने करी थी, अगर 20 साल के लिए की मैंने 20 ईयर्स के लिए, तो यहाँ 75 लाख रुपये बन रहे थे, 75 लाख, और यहाँ कितने बन रहे थे 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के यहाँ पे बन रहे थे आपके 2 करोड़। ये डिफरेंस कितना बढ़ गया देखिए, यहाँ पे 75 लाख है, यहाँ पे 2 करोड़ है, 1 करोड़ 25 लाख। यानी कि अगर 20 साल तक अगर आपने ऐसा किया तो 1 करोड़ 25 लाख का डिफरेंस आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि लमसम कितना है, और SIP करते हैं और लमसम करते हैं तो ये डिफरेंस आपका कितना हो सकता है। बस लमसम में आकर पैसा होना चाहिए, और SIP में कर सकते आप महीने का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए SIP पर से लमसम, तो SIP हम क्या कर सकते हैं, SIP हम कभी भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है SIP भी आप कभी भी कर सकते हो, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, चाहे मार्केट नीचे चल रहा है, SIP के लिए कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं हर महीने, आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है। इसके लिए आपको सोचना नहीं है, देखना नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कभी भी SIP कर दीजिए। लमसम के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लमसम क्या है रिस्की है, आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम फिर से चलते हैं जरा चार्ट पर, और चार्ट पे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गए हैं हम लोग, और निफ्टी 50 के चार्ट में हमने यहाँ पे 5 साल का ओपन कर लिया है, 5 ईयर या मैक्स कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ये देखिए, अब आप लमसम करते हैं तो ये कोविड के दौरान की बात है, कोविड ये आपका मार्केट डाउन हुआ था, ठीक है। तो आपको जब लमसम करना है तो मार्केट जब आपका टॉप होता है ना, उस समय पे आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। पिछले 5 साल का ही देख लेते हैं, देखिए ये रहा, ये पॉइंट आपका लमसम का है। हालांकि जब लमसम भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए कर रहे हैं, तब भी आप इन्वेस्ट यहां भी कर सकते थे, और इवन आप यहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि लमसम हमें कब करना है, जब मार्केट थोड़ा गिर जाए तब हमें करना है इन्वेस्ट, यानी डिप पे इन्वेस्ट करना है। देखिए आप यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे, आप यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे। तो हमेशा कभी भी मार्केट में आपको लमसम करना है तो थोड़ा सा देखिए, 1 महीने 2 महीने वेट भी कर सकते हो कि मार्केट के गिरने का इंतजार कीजिए। मार्केट गिर जाता है 2%, 5%, 10%, हाली 10% मार्केट गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी क्या, जैसे मार्केट कभी गिरता भी है ना तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके लिए मार्केट गिर भी जाएगा ना तो उनको डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पैसा वहाँ पे और पैसा लगा देंगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, उनके लिए 10% मार्केट गिर गया ना तो काम ही खराब हो जाएगा, सब टटा बाय बाय हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, लमसम मार्केट में तब करना है जब मार्केट हमारा गिर जाएगा, उस समय पर हमें लमसम करना है। मार्केट जब क्रैश करेगा उस समय लमसम करना है, उसके लिए लमसम के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख, और जैसे कि आपको 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है तो 10 लाख एक ही दिन में इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आज 1 लाख कर दिया 2 लाख कर दिया, यानी कई सारे हिस्सों में उस पैसे को बांट करके अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हमें लमसम से भी एवरेजिंग का फायदा मिल जाए। SIP में क्या रहता है कि मार्केट ऊपर है नीचे, हमें इसका कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। आपने कोई चीज़ हाई बाई, जब आप ऊपर टॉप पर हो तो आप हाई में चीज़ बाई कर रहे हो, महंगी बाई कर रहे हो, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा तो सस्ते में भी बाई करोगे, तो वो एवरेजिंग का आपको फायदा मिल जाता है SIP के अंदर। और जब आप लमसम करते हैं तो आप डिप के अंदर इसको बाई कीजिए। अगला है टाइम फ्रेम से पहले हम बात कर लेते हैं, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लमसम और SIP। मैंने आपको बता ही दिया कि SIP आप कभी भी कर सकते हैं, लमसम आप डिप के अंदर हमेशा बाई कीजिए। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका टाइम फ्रेम, यानी कि जब भी आप SIP करते हैं, लमसम करते हैं, आपका जो कंपाउंडिंग का मजा लेना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, जो कंपाउंडिंग यानी चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज से जो पैसा बनता है ना, अभी आपको दिखाया ना 20 साल के अंदर 2 करोड़ बन गए थे, वहाँ पर 75 लाख बने थे, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। आपका समय जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है ना, आपका वेल्थ भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। क्या किया आपने, 20 साल के अंदर आप 75 लाख बन गए थे, यहाँ और बन रहे थे 14 लाख, 10 साल के अंदर या 10 लाख बन रहे थे आपके, 10 साल के अंदर 24 लाख बन रहे थे, लेकिन 2 करोड़ बन रहे हैं। तो जितना लंबा समय होगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ग्राफ है, आपका पहले स्टार्टिंग पैसा SIP हो चाहे लमसम हो, पैसा ऐसे होता है, ऐसे ग्रो करता है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि आपका पैसा ऐसे ग्रो होने लग जाता है, एक्सपोनेंशियली आपका पैसा ग्रो होने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सी चीज़ बढ़िया है, दोनों ही चीज़ बढ़िया है, कोई चीज़ बुरी नहीं है, बस टाइमिंग प्रॉपर देखनी है आपको, एवरेजिंग का फायदा लेना है। SIP के अंदर आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, लमसम करनी है तो आपको डिप के अंदर इन्वेस्ट करना है, और इसके अलावा आपको क्या है,
कि आप जब लमसम करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क कैसे बढ़ जाता है कि आपका मार्केट मान लीजिए ऐसे चल रहा था और मार्केट मान लीजिए आप यहीं चल रहे हैं, तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, आपने यहाँ पर कर दिया लमसम, यहाँ पर कोई अमाउंट लमसम कर दिया और उसके बाद मार्केट गिर गया, ठीक है। अब ये मार्केट गिर गया, एक दो साल तक मार्केट ऐसे गिरा हुआ नीचे ही रहा है तो आपको लॉस हो जाएगा, आपके मेरा प्रॉफिट नहीं रहा क्योंकि मार्केट दो साल तक ऐसे चलता रहा है, मेरा पैसा ऊपर इन्वेस्ट हो गया था नीचे। लेकिन अगर मार्केट आपने पैसा यहाँ उठाया है तो आपको मार्केट अगर यहीं से ऊपर चला गया और चल जाता गया तो आप कहेंगे चल अच्छा है मेरा पैसा प्रॉपर बढ़ रहा है। तो रिस्क तो इसके अंदर थोड़ा रहता है लमसम के अंदर, तो हमेशा डिपेंड करिए। और अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस टॉप पे भी इन्वेस्ट कर दोगे तब भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जितना पॉसिबल होता है जब भी मार्केट गिरता है उस समय पर करना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन का टाइम आया था, रिजल्ट का टाइम आया था, उस दिन मार्केट कितना गिरा था, तो उस समय बहुत अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का, काफ़ी अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का, ठीक है ना। अब कह रहे हैं यार क्रैश आएगा, अगर आ जाए तो कर दीजिएगा, पैसे को तैयार रखिए, लेकिन थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए मार्केट में। कोई नहीं आया तो फिर क्या करोगे, नहीं आया तो आज जो निफ्टी 50 24,000 चल रहा है वो सकता है वो 28,000 पहुँच जाएगा, तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी करते रहिए अगर लमसम कर रहे हो तो। उसके बाद बात आती है डिसिप्लिन की। SIP में क्या होता है, हमारा डिसिप्लिन बन जाता है, हमारा हर महीने पैसा जाता है तो हमारे पास एक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई हमारा पैसा जा रहा है लगातार हर महीने जा रहा है तो हमें पैसे की व्यवस्था करनी है, हमारी SIP कटेगी महीने की, ठीक है ना। तो हमारा क्या डिसिप्लिन बना रहता है हम इन्वेस्ट करने का, क्योंकि डिसिप्लिन हम जब हमारे अंदर जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा ना उतना ही हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता है चाहे आप कितना ही पैसा कमाते हो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो SIP से क्या होता है आपका डिसिप्लिन बना रहता है, लेकिन लमसम से क्या रहता है डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम चलते हैं कि भैया यहाँ 14 लाख बन रहे थे, यहाँ 24 लाख बन रहे थे, यहाँ पर 27 लाख कैसे बन गए, यहाँ पे फिर 20 साल के अंदर 75 लाख बन रहे थे, 2 करोड़ बन रहे थे, यहाँ मैं 20 साल का कैलकुलेट किया नहीं है, कैसे बन रहे हैं यहाँ पैसे ज़्यादा। तो ये प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा स्मार्ट है, ठीक है। स्मार्ट कैसे है, इससे थोड़ा सा स्मार्ट है इससे, क्योंकि ये जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा था ना लमसम, तो ये लमसम कभी भी कर रहा था, इसने मार्केट को ज़्यादा देखा नहीं, इसने मार्केट को ज़्यादा देखा नहीं और इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो ये बंदा है इसने क्या किया कि ये मार्केट को देख रहा था, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट बंदा है, प्लेटिनम है ना भाई, गोल्ड से भी अच्छा प्लेटिनम, ये एक्स्ट्रा स्मार्ट बंदा है। तो ये क्या कर रहा था, जैसे इलेक्शन वाला टाइम हुआ, कोविड वाला टाइम हुआ, या जब मार्केट क्रैश हुआ, ये क्रैश का वेट करता है, जब मार्केट गिर जाता है ना तब वेट करता इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए पिछले अगर हम 3 महीने की बात कर लें, पिछले 3 महीने में बात कर लें तो मान लीजिए ये मार्केट रहा है कुछ, ठीक है, पिछले 3 महीने के अंदर मार्केट ये रहा है कुछ, ये क्या करता है यहाँ पे बाई करता है, यानी कि लमसम कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जो बी वाला बंदा था ना गोल्ड वाला, वो क्या कर रहा था, कभी यहाँ बाई कर रहा है, तो वो उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है। दूसरा, आप मेरा सजेशन माने तो मेरा सजेशन एक ये भी है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी के अंदर भी करते हैं, ETF के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर या इंडेक्स फंड के अंदर, अगर आपकी SIP चल रही है तो आप सेम म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम भी कर सकते हो। कभी भी पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है अगर आप इसी फॉर्मूले चलोगे कि भाई मेरा तो 5,000 रुपये हर महीने की SIP चल रही है ना, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, अब 5,000 चल तो रही है मेरी इन्वेस्टमेंट, ये मत सोचिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप जिंदगी का आपकी सैलरी सेम रहेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको एक 5,000 चल रहे हैं इसको आपको बढ़ाना चाहिए पैसे को, ठीक है। दूसरा, आपकी 5,000 चल रही है ठीक है, आपको फिक्स आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कभी आपके पास पैसा इकट्ठा आ जाता है कहीं से 10,000, 20,000, 30,000 आ जाता है, तो आप इसके अंदर लमसम करते जाइए तो आपको SIP प्लस लमसम का फायदा मिलता रहेगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो बंदा है ना जिसको SIP भी कर रहा है प्लस लमसम का भी फायदा ले रहा है, यानी कि SIP भी चल रही थी इसकी और साथ में कभी 10,000 का कभी 20,000 का ऐसे ना टॉप अप रिचार्ज करते हैं। इसी तरीके से क्या कर रहा है, अपनी SIP को टॉप अप करता जा रहा है। SIP चल रही है फिक्स, मान लीजिए 5,000 की 6,000 जो भी है, और साथ के साथ में लमसम भी करता जा रहा है 10,000 का 20,000 का, जब भी जो भी पैसा आता है डाल देता है। तो आपकी इससे वेल्थ कितनी मिलेगी, इससे कैपिटल कितनी मिलेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर या फिर ETF के अंदर, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने Angel One का लिंक लगा दिया, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी या कंटिन्यू या स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।